श्री परमात्मने नमः। ज्ञान की अनिवर्चनीय स्थिति। जिस प्रकार असत्य, हिंसा और मैथुन आदि कर्म बुद्धि में बुरे निश्चित हो जाने पर भी उन्हें मन नहीं छोड़ता, इसी प्रकार बुद्धि विचार द्वारा संसार को कल्पित निश्चय कर लेती है, परंतु मन इस बात को नहीं मानता। साधक की एक ऐसी अवस्था होती है और इस अवस्था को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है कि मेरी बुद्धि के विचार में संसार कल्पित है। इसके पश्चात जब आगे चलकर मन भी इस बात को मान लेता है, तब संसार में कल्पित भाव हो जाता है, परंतु यह भी केवल कल्पना ही होती है। इसके बाद जब अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति प्रत्यक्षवत हो जाती है, तब साधक को किसी समय तो संसार का चित्र आकाश में तिरवरों की तरह भासित होता है और किसी समय वह भी नहीं होता। जैसे आकाश में तिरवरें देखने वाले को यह ज्ञान बना रहता है कि वास्तव में आकाश में कोई विकार नहीं है, बिना हुए ही भासित होता है, इसी प्रकार उस साधक का भी भास होने और ना होने में समान ही भाव रहता है। उसे संसार की सत्ता का किसी काल में किसी और प्रकार से भी सत्य भास नहीं होता। इस अवस्था का नाम अकल्पित स्थिति है। साधक की ऐसी अवस्था ज्ञान की तीसरी भूमिका में हुआ करती है, परंतु इस अवस्था में भी इस स्थिति का ज्ञाता एक धर्मी रह जाता है। इस तीसरी भूमिका में साधन की प्रगाढ़ता का कारण साधक के व्यवहारिक कार्यों में भूले होनी संभव है, परंतु भगवत प्राप्ति रूप चौथी भूमिका में पराय भूले नहीं होती। उस अवस्था में तो उसके द्वारा न्याय युक्त समस्त कार्य सुचारू रूप से स्वाभाविक ही बिना संकल्प के हुआ करते हैं। जैसे श्री भगवान ने गीता में कहा है, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले उस पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। पंचम भूमिका में व्यवहारिक कार्यों में भूले हो सकती हैं, परंतु तीसरी भूमिका वाले की अवस्था साधन रूपा है और पांचवी भूमिका वाले की स्थिति स्वाभाविक है। तीसरी भूमिका के बाद साक्षात्कार होता है, इसी को मुक्ति कहते हैं। कोई जैन आदि मतवालंबी लोग तो मृत्यु के बाद मुक्ति मानते हैं, परंतु हमारे वेदांत के सिद्धांत में जीवन मुक्ति भी मानी गई है। मृत्यु के पहले भी ज्ञान हो सकता है। इस अवस्था में उसका शरीर तथा शरीर के द्वारा होने वाले कर्म केवल लोगों को देखने मात्र के लिए ही रह जाते हैं, उसमें कोई धर्मी नहीं रहता। यदि कोई कहे कि जब उसमें चेतन ही नहीं रहा तो फिर क्रिया क्यों कर होती है, इसके उत्तर में कहा जाता है कि समष्टि चेतन तो कहीं नहीं गया, व्यष्टि भाव से हटकर उसकी स्थिति शुद्ध चेतन में हो गई। समष्टि चेतन की सत्ता स्फूर्ति से क्रिया हुआ करती है, इसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। इस पर यदि कोई फिर यह कहे कि चेतन तो जड़ पदार्थ और मुर्दे में भी है, उनमें क्रिया क्यों नहीं होती, इसका उत्तर यह है कि उनमें क्रिया ना होने का कारण अंतःकरण का अभाव है। यदि योगी जन एक चित्त की अनेक कल्पना करके मुर्दे या जड़ पदार्थ में चित्त का प्रवेश करवा दें तो उसमें भी क्रियाओं का होना संभव है। कोई पूछे कि ज्ञानी कौन है तो इसके उत्तर में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यदि शरीर को ज्ञानी कहा जाए तो जड़ शरीर का ज्ञानी होना संभव नहीं। यदि जीव को ज्ञानी कहें तो ज्ञान उत्तर काल में उस चेतन की जीव संज्ञा नहीं रहती, और यदि शुद्ध चेतन को ज्ञानी कहें तो शुद्ध चेतन तो कभी अज्ञानी हुआ ही नहीं, इसलिए यह नहीं बतलाया जा सकता कि ज्ञानी कौन है। ज्ञानी की कल्पना अज्ञानी के अंतःकरण में है। शुद्ध चेतन की दृष्टि में तो कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं। ज्ञानी को जब दृष्टि ही नहीं रही तो फिर सृष्टि कहाँ रहती।
अज्ञानी जन इस प्रकार कल्पना किया करते हैं कि इस शरीर में जो जीव था सो समष्टि चेतन में मिल गया। समष्टि चेतन के जिस अंश में अंतःकरण का अध्यारोप है उस अंतःकरण सहित उस चेतन के अंश का नाम ज्ञानी है। वास्तविक दृष्टि में ज्ञानी किसी की संज्ञा है यह कोई भी वाणी द्वारा नहीं बतला सकता, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में तो ज्ञानीपन भी नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी की संज्ञा केवल लोक शिक्षा के लिए है और अज्ञानियों के अंदर ही इसकी कल्पना है। जिस प्रकार गुणातीत के लक्षण बतलाए जाते हैं, भला जो तीनों गुणों से अतीत है उसमें लक्षण कैसे? लक्षण तो अंतःकरण में बनते हैं और अंतःकरण से होने वाली क्रिया त्रिगुणात्मिका है। बात यह है कि गुणातीत को समझने के लिए अंतःकरण की क्रियाओं के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, प्रकाशम च प्रवत्तिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवातनी न निवृत्तनी कांक्षति। इसी के आगे 23वें 24वें और 25वें श्लोकों में भी गुणातीत के लक्षण बतलाए गए हैं। उपयुक्त 22वें श्लोक के प्रकाश शब्द से अंतःकरण और इंद्रियों में उजियाला, प्रवृत्ति से चेष्टा और मोह से निद्रा, आलस्य, प्रमाद या अज्ञान नहीं अथवा संसार के ज्ञान में सुसुप्तिवत अवस्था समझनी चाहिए। अंतःकरण में कोई धर्मी न रहने के कारण द्वेष और आकांक्षा तो किसको हो? राग द्वेष और हर्ष शोक आदि न होने के कारण यह सिद्ध होता है कि उसमें कोई धर्मी नहीं है। यदि जड़ अंतःकरण के साथ समष्टि चेतन की लिप्तता होती तो जड़ अंतःकरण में राग द्वेष आदि विकारों का होना संभव होता, परंतु समष्टि चेतन का संबंध अंतःकरण से नहीं रहता, केवल उसकी सत्ता स्फूर्ति से चेष्टा होती है। ये सब लक्षण भी वहाँ तक हैं जहाँ तक संसार का चित्र है और ये साधक के लिए आदर्श उपाय स्वरूप हैं, इसलिए शास्त्रों में इनका उल्लेख है। गुणातीत की वास्तविक अवस्था को कोई दूसरा ना तो जान सकता है और ना बतला ही सकता है, वह स्वसंवेद स्थिति है। परंतु यदि कोई इस प्रकार परीक्षा करे कि मुझमें ज्ञानी के लक्षण हैं या नहीं, तो जानना चाहिए कि इसे ज्ञान नहीं है। लक्षणों की खोज से यह बात सिद्ध हो गई कि उसकी स्थिति शरीर में है, उस ज्ञानी की सत्ता ब्रह्म से भिन्न है, नहीं तो खोजने वाला कौन और स्थिति किसकी? और यदि खोजना ही चाहे तो केवल शरीर में ही क्यों खोजे? पाषाण या वृक्षों में उसे क्यों ना खोजे? केवल शरीर में ढूंढने से उसका शरीर में अहम भाव सिद्ध होता है, इससे तो वह अपने आप ही क्षुद्र बना हुआ है। हाँ, यदि साधक शरीर से अलग होकर दृष्टा बनकर पत्थर और वृक्ष आदि के साथ अपने शरीर की सादृश्यता करता हुआ विचार करे तो इससे उसे लाभ होना संभव है। जैसे श्री गीता जी में कहा है, जिस काल में दृष्टा तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात गुण ही गुण में बरतते हैं ऐसा देखता है और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद गण मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। परंतु जो कहता है कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ, वह भी ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वह स्पष्ट कहता है। जो कहता है कि मुझे ज्ञान हो गया, उसे भी ज्ञानी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यूँ कहने से ज्ञाता, ज्ञान और ये तीन पदार्थ सिद्ध होते हैं। और जो यह कहता है कि ज्ञान हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, सो भी ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ज्ञानोत्तर काल में इस प्रकार का संदेह रह नहीं सकता। तो ज्ञानी क्या कहे, इसका उत्तर नहीं मिलता, इसीलिए स्थिति अनिवर्चनीय कही गई है। ओम शांति शांति शांति।